हजूर मियां मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह एदे ते बड़ी कमाल की गल की दिया फरमाते ने बेअसला ये हर बंदे दी नेकी करन दा भी अपना अपना ओह आंदे किसे बुजुर्ग दस्या एक जानवर होंदा है शाहीन कि किसे नाल नेकी करिए ते कम आउंदी है वह उड़िया ते पैणा चूहा वेख्या चूहा पानी च पिया डुबदा उस उन्हों बाहर कढ़िया उत्थे रखिया ते अपने भी पर फैला दिते मुफीद तालिबी ने च लिखे वनू सुकैन लग पिया चूहे की आदत होंगी जी शह होंगी अगे आवे वह कुतरन लग जाता उस पर ही फाद लै वो शाहीन प्रवाद करके उस बाबे को गया तो उस आख्या भी तुस गल दसी आई मैं वो अमल किया है लेकिन वो मेहनत नेकी जी गुठी आ गई वो मेरे पार ही कुतरन लग पे आ फरमाते नेकी की किए थी उस आख्या जी चूहे थे आपने फरमाया बस इन्ना ही फर्क है नेकी करनी आई नस्ल नू वेखी कोई समझ आई है गल की नहीं आई नेकी तो तू की है पर नस्ल नू वेखी वह नेकी करने वाला है या नहीं वकार मियां साहब ने इस गल नू अपने रंग च बयान फरमाए आप फरमाते ने असला नाल असल असील का पता है ना वह बंदा असल असील है और अच्छा आदमी है आप फरमाते ने असला नाल जिन्हें की करिए ते नस्ला नहीं बुलांदे शर तो डरो क्योंकि हो सकता है वो जिदे नाल तुसी नेकी करो वो ही तुहाडे सामने आवे उहदे तो डरो जिदे नाल नेकी करो उहदे शर तो डरो क्योंकि वजह वे बेलियो आ फरमाने ने असला नाल चंगिया नाल जिन्ने की करिए भाई यार तेरे को जुबाक आई ते आ अद्धा च मैं रह लीना ते दो कमर च भाई यार तू रह ले ए नेकी कीती सना चाहिदा था आप पिछली सारी उम्र याद रखदा लेकिन प्रॉब्लम ये होंदा पता कोई नहीं सवेरे अदालत जाके आखे भाई है ही मेरा ये था मेरे नाल वाला भी मेरे तो खोंदा पिया इंज मैं कई बंदियां नूं वेख्या वो आंदे पूछिए मैं खैर तो है ही बड़ा रफड़ लो पाया वो आंदे जी नेकी कीती आई तो हूँ भुगतता पिया समझ आती भैया कोई ना गल वो मुड़ा दे दा केस कर देंगे भैया जी साढ़े अब्बे जी और लो जी अगू मुड़ साडा अदालती निदाम ऐसा उत्थे काम चले ही रहा है भावें झूठा हो भावें सच्चा हो